नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 23 और 24 जुलाई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। यूपी सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवाती तूफान टाइफून अब कमजोर, अगले 48 घंटे में तेज बारिश के आसार। यूपी में अच्छी बारिश होने की है संभावना। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में कल तक गरज के साथ बौछारें पड़ेंगे। 23 से यहां भी बारिश बढ़ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश की संभावना जताई गई है। टाइफून कमजोर पड़ने से अगले 48 घंटे में कानपुर सहित आसपास के जिलों में झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। दक्षिण चीन सागर का चक्रवाती तूफान टाइफून अब कमजोर पड़ गया है। इसके बाद अब अगले 48 घंटे में तेज बारिश के आसार बन गए हैं और हवा भी सामान्य से तेज चलेगी। यूपी समेत आसपास के राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आसमान में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि टाइफून कमजोर पड़ गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लिए हवा मैदानी क्षेत्र की ओर आने लगेगी। निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। टाइफून के असर से मौसमी सिस्टम गड़बड़ा गया है। बारिश वाली हवा दक्षिणी चीन सागर की ओर चली गई है। अब गंगा के मैदानों के साथ मौसमी ट्रफ मानसून को राजस्थान और गुजरात के दूरस्थ हिस्सों तक ले जाएगी, जिसके फलस्वरूप यूपी में अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।